इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नवी मुंबई से। नवी मुंबई के बेलापुर के शाहबाज गांव में एक 4 मंजिला इमारत ढह गया। घटना सुबह 5:25 की है। बताया जा रहा है कि इमारत में कुल 26 परिवार थे। समय रहते सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, पर 4 लोग मलबे में दब गए। 2 लोगों को निकालने में सफलता मिली। पता चला है कि 2 और लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं, उनकी तलाश जारी है। फायर ब्रिगेड और NDRF के जवान मौके पर पहुंचे और फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिए है। इमारत अवैध था और इमारत खाली करने का नोटिस भी जारी हुआ था, इसके बावजूद भी लोग उस इमारत में रहते थे। नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर सुशांत कुमार सेठी, NDRF टीम का टीम कमांडर हूँ। मुझे सुबह एक खबर मिली थी यहाँ का जो सिविल प्रशासन द्वारा कि एक बिल्डिंग है जो कोलैप्स हुआ है, जिसमें 3 से 4 जो आदमी है फंसने का चांसेस है, और जिसमें मैं अपना टीम लेके वहाँ चल दिया और मेरे को फिर अपडेट मिलती रही और मैं उनका साथ अपडेट रहता रहा। तो मुझे खबर मिली कि 2 जो हमारा जो फायर ब्रिगेड है उनके द्वारा 2 विक्टिम को निकाल चुके हैं और एक जो माहौल सिराज बोलते तो 30 साल का लड़के हैं उनको अभी तक तो मिसिंग है। और इसीलिए मेरे अपना टीम के साथ लेके यहाँ पे पहुँचने के बाद और फिर मैं अपना सर्च करने लगा और फिर मैं आप देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ा जो बीम है उनको हम मशीनरी द्वारा साइड कर रहे हैं, उसके द्वारा मैनुअली हम सर्च करेंगे। मेरा कम जो रिजेस्कोर है उनके द्वारा मैं सर्च करूँगा और मेरा डॉग स्क्वाड जो यूनिट में है वो आने वाला है, पहुँचने वाला है, उसके द्वारा फिर मैं डॉग के द्वारा भी सर्च करूँगा। आज सकाळी एक मला वाटतं 4:45 ही इंदिरा निवास म्हणून एक इमारत आहे, सिटी सर्वे नंबर 106 शाहबाज गाव, सेक्टर 19 बेलापूर, आणि G+4 इमारत होती। 2013 बांधली अशी प्राथमिक माहिती आहे। इमारतीमध्ये 3 गाळे आणि 17 फ्लॅट्स असं होते। आत्तापर्यंत आपण ह्या इमारतीमधून ज्यावेळेस इमारतीला आधी थोडा तडे गेल्यानंतर किंवा आवाज आल्यानंतर बहुतेक लोकं बाहेर आली, 39 लोकं आणि 13 मुले ही आता बाहेर आलेली आहे। अजूनही 2 लोकांचा शोध सुरू आहे। बाकीच्या आम्ही आता जी माहिती घेतली ती सर्व आणि जे काही हे 39 आणि 13 लोक आहेत त्यांना आम्ही निवारा शेडमध्ये पाठवलं आहे। मला 5 वाजता माहिती मिळाल्यानंतर मी स्वतः साईटवर पण आलो, माझी सगळी टीम आली, NDRFला इन्फॉर्म केलं। NDRFची टीमसुद्धा आपण जर बघितलं असेल तर 6 वाजल्यापासून NDRFची टीम पुन्हा काम करते आणि आता मदत कार्य सुरू आहे, शोध सुरू आहे आम्ही की नेमकी अजून किती त्याच्याखाली ढिगाऱ्याखाली आहे, तो आपल्याला आल्यानंतर आम्ही आपल्याला माहिती देऊ। सर, ही 10 वर्षापूर्वीचीच इमारत होती, गावठाणामधली इमारत आहे की सेक्टर्समधली आहे? नाही, ही गावठाणातली इमारत दिसते म्हणजे आज जर आपण इथे आल्यानंतर, कारण त्याला ह्याच्या दिसत आहे की आणि मूळ रस्त्यावर आहे, असे नाही की ती कुठेतरी बाजूला आहे। इमारतीमध्ये काय झालं आता तो नंतर आपण तपासणी करून कशामुळे इमारत कोसळली याची शोध घेऊ, परंतु मुळातच दिसत आहे की ह्या कंजेस्टेड एरियामधल्या इमारती आहे। सर, मनपा प्रशासनाशी या इमारतीमधील लोकांनी काही पाठपुरावा केला असल्याची माहिती समोर येते, स्थानिकांमधून तशी माहिती भेटते? नाही, माझ्याकडून तर अशी काही माहिती आलेली नाही की कशासाठी पाठपुरावा केला होता, आपल्या मला तरी काही माहिती नाही। थँक्यू।